कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार, ठीक है ना। ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है ना? समझ आया ये? मान लो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, ये कैसा है? कंटिन्यूअस, सेकेंडरी वन। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, यहां से ऐसे गए, फिर ओपन हुआ, फिर बीच में गैप कर दिया, ऐसे बना दिया, ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। इवन अगर हमने यहां से यहां तक गए, यहां ओपन किया और ऊपर बना दिया, ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अगर हमें पेन को उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाने के लिए, तो वो फंक्शन कैसा हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है ना? मान लो यहां से हमने ये बनाया, फिर ओपन ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ओपन, फिर ये, फिर आगे बढ़ गए, तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने आए? कि यहां पर भी डिस्कंटिन्यूस हुआ, यहां पर भी डिस्कंटिन्यूस हुआ, और यहां पर भी कैसा है? डिस्कंटिन्यूस। बात समझ में आ गई ना? समझ आए? ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी के कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बता रहा। पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, तो उसी को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? लिख लो यार। इफ वी नो द ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ वी नो द ग्राफ ऑफ फंक्शन, हाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना? समझ रहा? ध्यान से देखना, ये ग्राफ के थ्रू ही लेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, किसी फंक्शन की डोमेन है हमारे पास 0 से लेके 4 तक, और इसका ग्राफ कैसा है? ऐसे गए, ये और ये, तो यहां से बनाना शुरू किया और यहां तक बना दिया, तो कोई टेंशन नहीं है। फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ईच पॉइंट। कंटिन्यूटी हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है? पॉइंट्स की। पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कैलकुलेट करते हैं हमेशा। लिख लो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ईच पॉइंट 0 close to 4 close। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने आ गए? 0। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 0। कर लिया ना? सेकंड समझिए, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, यहां पर ओपन है, यहां से गए, ऐसे आया, ऐसे आया, ये 4 है, ये क्लोज है, ओपन है, लेकिन 0 पर वैल्यू आ रही है 1। ग्राफ क्या है ध्यान से समझना, अभी नोट नहीं करना है। यहां से बनाना शुरू किया, 0 पे 1 आई, फिर इससे इसी एक्स पे आ गए, आगे नहीं बढ़े, कौन से एक्स पे आ गए? सेम, फिर आगे बढ़े हम, तो यहां से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर यहां तक आ गए। बात समझ में आई ना? तो हमें जब हमने पेन रखा तो कितने पॉइंट्स पे पेन हटाना पड़ा? 1, जो कि क्या है? एक्स इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई ना? तो यहां से यहां पे आए, ये लेकिन x 1 ही है, तो पॉइंट फंक्शन हमारे पास कैसा होगा?
discontinuous only at one point at x equal to 0. Likh lo zara. Number of points of discontinuity equal to 1. Number of points of discontinuity equal to 1. The function is discontinuous at x equal to 0. ठीक है ना, अभी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं हमें, आगे एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे. तो आगे समझना, थर्ड वन, हमारे पास ग्राफ क्या है, जीरो पे ओपन है, जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन. मान लो यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ये गया, फोर पे भी क्या है, ओपन. तो ये हमारे पास क्या आएगा, और फोर पे वैल्यू आ रही है मान लो टू, तो एक तो जीरो हो गया पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, और दूसरा क्या आया, फोर. यहां से हमने पेन रखा, फिर यहां से बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा ग्राफ पूरा बनाने के लिए पेन को दोबारा से हटाना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा. तो इस केस में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने आए, दो. लिख लो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इक्वल टू टू. वन इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इज एक्स इक्वल टू फोर. बात समझ में आ गई ना, समझ आ गए. नेक्स्ट लिखिए, एंड पॉइंट्स की तो कोई टेंशन है नहीं है. अब हमारे पास यहां से ग्राफ शुरू कर रहे हैं, ये गया, यहां पे क्या आ गया, ओपन, फिर यहां से ही शुरू हो गया क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, फिर यहीं पे क्लोज. ये जीरो है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है. ढंग से देखना, तो जीरो पे तो कंटिन्यूअस है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने होंगे, एक तो एक्स ये वाला, एक एक्स ये वाला, और एक एक्स ये वाला. नोट कर लो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इक्वल टू, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू फोर. बात समझ में आ गई ना, ध्यान से देखिए. अब ये अलग है, सही तरह से समझना, इसमें बस एक ही टाइप से शो कर रहा हूं मैं. यहां से गए, ये वैल्यू है, ये मान लो हमारे पास वन थी, वन से टू तक डोमेन में नहीं है, फिर यहां पे शुरू किया, ऐसे आ गए, ये मान लो फोर आ गया. आल्दो ये डोमेन में नहीं है, तो डोमेन में तो ये हमेशा कैसा है, कंटिन्यूअस. लेकिन जीरो टू फोर के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने आएंगे, दो, एक एक्स इक्वल टू वन और दूसरा एक्स इक्वल टू टू. टेन एक्स अपनी डोमेन में तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस, लेकिन वास्तव में वो कैसा होता है, डिस्कंटिन्यूअस, क्योंकि पाई बाई टू डोमेन में नहीं है, उसी पर वो क्या होता है, डिस्कंटिन्यूअस. लिख लो ऐसे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इक्वल टू टू, वन इज एक्स इक्वल टू वन एंड सेकेंड इज एक्स इक्वल टू टू. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इक्वल टू टू, वन इज, यस, ध्यान से देखो.
अगर हमारे पास फंक्शन यहीं से शुरू हो जाता तो इसे एक काउंट कर दें, लेकिन इनके बीच में गैप है, तो x इक्वल टू वन पे भी क्या मानेंगे हम, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और x इक्वल टू टू पे भी क्या मानेंगे, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना? तो इस केस में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने आएंगे, टू। समझ गए? सिक्स्थ, ध्यान से देखना है, यहां से शुरू किया ये, फिर ओपन ये आ गया, फिर यहां से शुरू कर रहे हैं ओपन ये, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने आए, डोमेन हमारे पास है एक्स वन टू एक्स टू एंड एक्स थ्री टू एक्स फोर, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने हैं, वन, इस पे वैल्यू ये आ रही है, ये ओपन है, टू, चलो ये वैसे भी आ जाता है, ये आगे बढ़ रहे हैं, थ्री एंड फोर, इस केस में हम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने बताएंगे, फोर। समझ गए ना? बात समझ में आ गई? तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ग्राफ का अगर आइडिया है तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखो, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ ओनली। हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ ओनली। इसमें दो पॉइंट लिख लीजिए, ईच पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ईच पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज ऑलवेज, ईच पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट हो गया है, सेकंड लिखो, एट एक्स इक्वल टू ए इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट लाइक ये बना लो, यहां पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, लेकिन है क्या ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। समझ गए ना? आगे देखिए, ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, यहां पे फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट, फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ गई ना? डिस्कंटिन्यूअस है तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, मान लो ये हमारा पॉइंट कैसा है, नॉन कॉर्नर पॉइंट, तो ये फंक्शन कैसा होगा, इसमें नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? आगे देखिए, अब कंसेप्ट सीखते हैं,
कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, लिखो जरा कंसेप्ट, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए नॉट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए नॉट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, लिखिए चलिए, एट एक्स इक्वल टू ए इफ, ये कीवर्ड है, इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, समझ आया ना ये? अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था? RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट नंबर, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? एट एक्स इक्वल टू ए इफ, लिख लो डिटेल में लिख लो, एट एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस, ये बाद में लिख लेना, इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट नंबर इक्वल टू, ये तो लिमिट एग्जिस्टेंस से आ गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, समझ गए ना? ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं होगी तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस, समझ गए? तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और इसके इलस्ट्रेशन है वो एक संग लेंगे हम, लेकिन आपको ये जरूर समझना है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। अगर एक्स इक्वल टू ए एंड पॉइंट ऑफ डोमेन नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, एंड लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट नंबर, समझ गए ना? अब आगे कंसंट्रेट करो, ये एंड पॉइंट ऑफ डोमेन का क्या चक्कर है? जैसे अगर एक्स इक्वल टू ए ऐसा है तो नॉट ए एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है, और एंड पॉइंट ऑफ डोमेन का मतलब क्या है? अगर मान लो ये एक्स वन है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, डोमेन हमारे पास क्या है? x1 टू x2 यूनियन, x2 टू x3 टू x4। तो इसके लिए मैं नोट नहीं करा रहा, मान लो ये x1 है तो इस पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा? अगर ये क्लोज है तो f ऑफ x1 किसके बराबर होना चाहिए? आगे क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स वन प्लस, मतलब इस वाले एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी का क्या मतलब होगा? ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया, एफ ऑफ एक्स वन ये आ रहा है और एफ ऑफ एक्स वन प्लस आगे आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, समझ गए ना? इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? एंड वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फोर। ऐसे यहां पे क्या चेक करेंगे? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थ्री। यहां पे क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है ना? समझ गए?
बात समझ में आ गई नहीं, इसे अलग से लिख लो, कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, ऐसे लिख लेना, कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। समझ गए नहीं, नोट कर लिया? ठीक है, तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलना है। लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है तो देख लो, विजुलाइज कर लो उसके आगे के पॉइंट डोमेन में या पीछे के पॉइंट्स हैं। जब उसके आगे के पॉइंट डोमेन में होंगे तो एफ ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट, और उसके पीछे के पॉइंट डोमेन में तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए ना? ठीक है, ये कभी नहीं भूलना है। अब एक स्टेटमेंट और बता रहे हैं, फिर डिटेल में करेंगे इसे, टाइप्स ऑफ और उनके प्रॉब्लम्स भी लेंगे। लिखो यार, एट एक्स इक्वल टू ए ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन राइट हैंड डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज इन द फॉर्म ऑफ लिमिट एज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज, इसको कभी नहीं भूलना है, एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस f of a plus h minus f of a upon h, ये क्या है RHD, ये क्या है LHD, ठीक है ना? आगे स्टेटमेंट तो पूरा हुआ नहीं है, आगे लिखो, when राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव व्हेन राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट नंबर मींस लिमिट मींस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट then function is known as differentiable, then function is known as differentiable at x equal to a,
and the value of limit is known as derivative of function at x equal to a, and the value of limit is known as derivative of function at x equal to a. What it? ध्यान से समझना, आपको ध्यान क्या रखना है, नोट कर लिया क्या? आपको जो बात कभी नहीं बोलनी है वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस. इसका मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है ना. मींस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट नंबर इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है ना. एंड दूसरी बात क्या है कि अगर फंक्शन हमारे पास कैसा है, डिफरेंशिएबल है. इसका मतलब क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट. इसमें एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस होगा उसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव. एंड एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस होगा उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे और ये किसके बराबर होगा, फाइनाइट नंबर, तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है ना. और इसे क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए. तो ये कंसेप्ट तो कभी नहीं भूलना है. इसके अलावा इनके डिटेल टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी सीखेंगे और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स बनती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना. एक बार रिवाइज करिए, टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी. लिखिए, मेनली दो टाइप की डिस्कंटिन्यूटी पॉसिबल है, समझ लो. पहले आर टाइप, रिमूवल टाइप. रिमूवल का मतलब क्या है, जिसे हटाया जा सके, ठीक है ना. आईआर टाइप, जिसे हटाया ना जा सके. हटाया तो सबको जा सकता है, लेकिन जिसे हटाने से पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाए, मतलब जिसे हटाया ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, इररिमूवल टाइप. और जिसे हटाया जा सके उसे क्या कहते हैं, रिमूवल टाइप. समझ गए ना, बात समझ में आई. तो टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में मेनली जो कंसेप्ट है वो कोई ज्यादा कोर कंसेप्ट है नहीं, जैसा नेचर है उसी के अकॉर्डिंगली नाम है, कोई ज्यादा स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है. कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. बात समझ में आ गई ना. और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी वैलिड हो तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना. ये लिख लो, चलो, रिमूवल टाइप आर टाइप और इररिमूवल टाइप आई आर टाइप, लिख लो, बना लो चार्ट. आर टाइप में लिखो, इफ एट एक्स इक्वल टू ए, इफ एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. If at x equal to a, limit exists but not equal to f of a, then R type of discontinuity exists at x equal to a.
एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर दी है, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। समझ गए ना, बात समझ में आई? रिमूवेबल टाइप में लिखो, एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट, देन इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। समझ गए ना, बात समझ में आ गई? कंसंट्रेट करो, आर टाइप में दो पॉसिबिलिटीज हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ग्राफ से बताता हूं मैं, दोनों तरफ से लिमिट की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो या तो एक्स इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, वो आ रही है तो इसके बराबर नहीं है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ए प्लस ओ ए माइनस पे एल आ रही है, और एफ ऑफ ए पे वैल्यू क्या दी है, एल वन। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए माइनस के बराबर है, और ये किसके बराबर है, एल, लेकिन एफ ऑफ ए हमें क्या दिया है, एल वन, ये इसके इक्वल नहीं है, बात समझ में आई ना। तो इसको अगर हम रिडिफाइन कर दें तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, फंक्शन कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस, बात समझ में आई ना, समझ आ गए, इसका मतलब क्या होगा, समझ आया कि नहीं। अगर हम एफ ऑफ ए को दोबारा से डिफाइन कर दें, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख दें, एल, फंक्शन कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू। समझ गए ना, समझ आ गए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हमारे पास मान लो ये ऐसे गए, यहां पर भी एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस दोनों किस तरह अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों ही कितने हैं, एल, और एफ ऑफ ए कुछ दिया ही नहीं है, है ही नहीं डोमेन में, मतलब ऐसे पॉइंट पे भी फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस हो सकता है जो पॉइंट हमारे पास कैसा हो, डोमेन में ही नहीं है। लिख लो, एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एल, बट एफ ऑफ ए इज नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, बट एफ ऑफ ए इज नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन कैसा है ये, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, समझ गए ना, समझ आया। अगर हम इसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें, इस फंक्शन को अगर हम ऐसे डिफाइन कर दें कि इसकी एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू कितनी आए, एल, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस। लिख लो, वी कैन रिमूव द डिस्कंटिन्यूटी या ऐसे लिखो, इट इज पॉसिबल टू रिमूव द डिस्कंटिन्यूटी
it is possible to remove the discontinuity at x equal to a by defining function as f a equal to l. समझ गए ना? तो रिमूवल टाइप में मेन कंसेप्ट क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? रिमूवल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट. उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वैल्यू आ तो रही है लेकिन वो एल के बराबर नहीं है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वैल्यू आ ही नहीं रही, डोमेन में ही नहीं है. समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, रिमूवल टाइप हो गया. आगे समझिए, इररिमूवल टाइप. इसमें काफी टाइप्स पॉसिबल हैं. फर्स्ट लिखो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी. ये सब एग्जांपल से समझ में आएंगे. इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कई बार ऐसे भी होता है, सेमी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी. कई बार ऐसे रहता है ऑसिलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी. सेमी ऑसिलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी और क्या पॉसिबल है? ऑसिलेटिंग प्लस इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी. आगे लिखिए जंप डिस्कंटिन्यूटी. जंप जंप कर गए यार, जंप डिस्कंटिन्यूटी. ये सब एग्जांपल से समझ में आएंगे. लिखिए चलिए फर्स्ट वन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड थ्री व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो. ध्यान से देखें यार, एफ ऑफ जीरो प्लस कितना आएगा यासिर? एफ ऑफ जीरो प्लस कितना आएगा? हेडअप प्लस इनफाइनाइट. अरे वन अपॉन मॉड एक्स है ना. एफ ऑफ जीरो माइनस कितना आएगा? नेहोल प्लस इनफाइनाइट. ग्राफ कैसा होगा इस फंक्शन का? बहुत सारे सिखाए हैं यार. ठीक है ना? तो भाई इनफाइनाइट जा रहा है इसलिए नाम क्या हो गया इसका? इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी. और कोई लॉजिक नहीं है. ढंग से देखना, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? थ्री. ध्यान से समझना, एफ ऑफ जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों कितने हैं? प्लस इनफाइनाइट. तो भी हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा क्यों कह रहे हैं? फाइनाइट नहीं है तो बना लो इसे. लिख लिया? नोट कर लिया ना? आगे लिखो, चलो स्टेटमेंट लिखो. इसमें स्टेटमेंट जरूर लिखो. अब इसमें फॉर द गिवन फंक्शन
एट x इक्वल टू जीरो फॉर द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो इररिमूवेबल इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट. For given function at x equal to 0, irremovable infinite discontinuity exists. समझ गए ना? एक और लिखो. मान लो हमारे पास function given है fx equal to 1 upon x minus 1 when x is greater than 1 and x plus 2 when x is less than equal to 1. ध्यान से देखना, f of 1 कितना आएगा? f of 1 कितना आएगा? 3. f of 1 minus कितना आएगा? 3. f of 1 plus कितना आएगा? प्लस इनफाइनाइट. इससे निकालेंगे ना. ग्राफ की बात करें तो कैसा आएगा? वन प्लस पे किस तरफ जाएगा? ये वन है प्लस इनफाइनाइट. वन पे वैल्यू कितनी आ रही है? थ्री. जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? वन. नहीं, जीरो पे टू. ऐसा अगर आप आ जाए, ये पॉइंट कितना है? 1,3. ये लाइन क्या है? y इक्वल टू x प्लस 2. ये क्या है? y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. समझ गए ना? क्लियर कट है आइडिया? कोई दिक्कत तो है नहीं? सही तरह से समझ नहीं आ रहा. अगर इसके लिए स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? एक तरफ से इनफाइनाइट है और एक तरफ से इनफाइनाइट नहीं है. तो कई बार इसे इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, ये नहीं है, और कई बार सेमी इनफाइनाइट भी बोल देते हैं. लिख लो यार, एट x इक्वल टू 1 इररिमूवेबल सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट. समझ गए? समझ आए? समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखो. एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 अपॉन मॉड एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0. ढंग से समझ जाओ. कैसा है ये फंक्शन? कैसा है? इवन. तो जो f ऑफ 0 प्लस होगा वही क्या होगा? f ऑफ 0 माइनस. ये बात तो फिक्स है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते नॉट अ फाइनाइट नंबर. फाइनाइट नंबर नहीं होगा वो. ढंग से समझना. तो इसके ग्राफ हम किसके लिए बना रहे हैं? इसके ग्राफ पहले बताया है क्या? साइन 1 बाई एक्स का ग्राफ बताया है? लिख लो यार. अच्छा है,
फर्स्ट पॉइंट लिखो, गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो अब हमारा टारगेट ये है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना है. किसके लिए? एक्स ग्रेटर देन जीरो. जैसा ग्रेटर देन जीरो के लिए होगा वैसे किसके लिए होगा? लेस देन जीरो. अब बहुत अजीब है, लॉजिक का ही सारा होगा ये, इसमें और कुछ नहीं है. बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है. साइन ऑफ वेरिएबल इसकी वैल्यू किस में लाई करेगी? y इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू माइनस वन. अरे साइन की वैल्यू किस में लाई करती है? y इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू माइनस वन. आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है ना. फर्स्ट कंक्लूजन लिखो, डिटेल में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है. द ग्राफ ऑफ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन टू लाइन्स वाई इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस वन. समझ गए ना? समझ आए? ठीक है ना. सेकेंड, साइन वन बाई एक्स जीरो कब होगा? साइन वन बाई एक्स जीरो कब होगा? जब वन बाई एक्स क्या होगा? सेटअप वन बाई एक्स क्या होगा? जीरो क्यों? एन पाई. समझ गए ना. तो एक्स क्या होगा? वन अपॉन एन पाई. पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो एन एलिमेंट ऑफ आई प्लस. तो जीरो कहां कहां पे होगा? वन अपॉन पाई पे जीरो होगा, वन अपॉन टू पाई पे जीरो होगा, वन अपॉन थ्री पाई पे जीरो होगा, वन अपॉन फोर पाई पे जीरो होगा, वन अपॉन फाइव पाई पे जीरो होगा, वन अपॉन सिक्स पाई पे जीरो होगा, डॉट 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 डॉट. वन अपॉन हंड्रेड पाई पे कैसा होगा? जीरो. वन अपॉन हंड्रेड वन पाई पे कैसा होगा? जीरो. समझ गए ना, बात समझ में आई है. कंसंट्रेट करो, इनका डिफरेंस कैसा है? चलो आगे बताऊंगा. ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, वन बाई एक्स का नेचर देखो. एक्स इक्वल टू वन पे कितना आएगा? वन कॉमा वन, ठीक है ना. साइन का नेचर देखो, ऐसा रहता है. वन पे वैल्यू कितनी आती है? साइन वन. अब एक स्टेटमेंट लिखो यार, when x goes from one to infinite, when x goes from one to infinite, one by x goes from one to zero, ठीक है ना. सो साइन वन बाई एक्स गोज फ्रॉम साइन वन टू जीरो. समझ गए?
अब कोई टेंशन नहीं है, अब बस एक लॉजिक का यूज करना है कि जब साइन वन होता है, जब जीरो होता है तो उनके बीच में एक बार क्या होता है वन, और एक बार क्या होता है माइनस वन। ध्यान से देखना ग्राफ, हमने क्या किया वाई एक्सेस बनाई, एक्स एक्सेस बनाई, ठीक है ना। वाई इक्वल टू, ये बड़ा बना रहा हूं मैं, है ये छोटा, ठीक है, ये तो वन बना दिया है, इधर तो इतना छोटा बना है, ये जीरो कॉमा वन, ये जीरो कॉमा माइनस वन, और एक्स एक्सिस पे वन बहुत आगे बनाया है, यहां पे बनाया है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा सही तरह समझना, यहां से इन्फाइनाइट से साइन वन, फिर ये वन होगा, फिर ये जीरो होगा, फिर ये वन, फिर ये जीरो। ढंग से देखना, अभी बनाओ मत, समझो, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ऊपर नीचे, ऐसे चलता जाएगा, सही तरह समझना। ये पॉइंट कितना है हमारे पास, ये कितना है वन कॉमा साइन वन, ये कितना है वन अपॉन पाई, ये कितना है टू अपॉन, नहीं वन अपॉन टू पाई, ये कितना है वन अपॉन थ्री पाई। बात समझ में आई ना। अब ध्यान से इसे बनाने से पहले एक बात कैलकुलेशन को देखो यार, वन अपॉन पाई और वन अपॉन टू पाई, इनका डिफरेंस कितना है वन अपॉन टू पाई, वन अपॉन टू पाई माइनस वन अपॉन थ्री पाई कितना है वन अपॉन सिक्स पाई। तो यहां से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली बार जब जीरो हुआ तो दूसरी बार जीरो उससे इतने डिफरेंस बाद हुआ, और तीसरी बार जीरो, ये डिफरेंस क्या हो रहा है कम हो रहा है, चौथी बार और कम, हंड्रेड बार और कम, वन लैख बार और कम, तो अल्टीमेटली क्या होगा जीरो प्लस पे हम बस ऐसे हो रहा होगा। एक इस ग्राफ को बनाना, दूसरा अलग पेन से बना लेना, यहां पर नेचर कैसे जा रहा होगा, बहुत फास्ट हो रहा होगा ऑसिलेशन। हम बस ये बता पाएंगे कि वैल्यू किसमें, माइनस वन टू वन में, हम फाइनाइटली ये नहीं बता पाएंगे कि वैल्यू है कितनी, ऑसिलेशंस क्या हो रहे होंगे, बहुत फास्ट हो रहे होंगे। बात समझ में आई ना, ऑसिलेशंस कितनी तेज हो रहे होंगे, बहुत फास्ट। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वन अपॉन हंड्रेड पाई पे भी क्या होगा जीरो, और वन अपॉन हंड्रेड वन पाई पे भी क्या होगा जीरो, तो बहुत जल्दी हो गया ये। वन अपॉन टेन थाउजेंड पाई पे भी क्या होगा जीरो, और वन अपॉन टेन थाउजेंड वन पाई पे भी क्या होगा जीरो। तो जो एक बार जीरो होता है, जैसे जैसे जीरो के पास जा रहे हैं हम, वैसे वैसे ऑसिलेशन की स्पीड है, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, बट जो पीरियडिक नेचर होता है वो कैसे होता है, बहुत कम हो गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी वन होता है, माइनस वन वन माइनस वन, लाइक दैट, समझ गए ना। तो हम ये तो जीरो प्लस पे हम ये तो कह सकते हैं कि जो जीरो प्लस पे कोई एक वैल्यू आएगी जो किसमें होगी माइनस वन से वन में, लेकिन हम फाइनाइटली ये नहीं बता पा रहे कि वैल्यू कितनी है, समझ गए ना। बात समझ में आ गई, बना लो। समझ गए ना। नोट कर लिया, बना लिया, ध्यान से देखना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि फंक्शन कैसा था इवन, तो इधर हमारे पास रफ ग्राफ बनाऊंगा मैं, इधर कैसा आया है ऐसे, ये जल्दी जल्दी होता जा रहा है, बस इतना ही शो कर रहा हूं, सही तरह से बनाऊंगा।
और यहां पे क्या हो गया, फास्ट ऑसिलेशंस हो गए, तो इधर भी कैसा आएगा? ऐसे कुछ आएगा, यहां पे ऑसिलेशंस कैसे होंगे? फास्ट होंगे। बात समझ में आ गई ना? तो आल दो जीरो प्लस जीरो माइनस इक्वल होगा, और जीरो पे वैल्यू कितनी दी थी? जीरो। जीरो पे वैल्यू कितनी दी थी? जीरो। तो जीरो के आसपास नेचर कैसा है? फाइनाइट नहीं है। नेचर कैसा है? ऑसिलेटिंग। बात समझ में आ गई ना? समझ गए? नोट कर लो, स्टेटमेंट लिखो यार, फॉर द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो ऑल्दो फॉर पॉजिटिव फाइनाइट नंबर f ऑफ पॉजिटिव नंबर इक्वल टू f ऑफ नेगेटिव नंबर। क्यों होगा ऐसा? इवन है, बट एट x इक्वल टू जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए ना? एट x नियर बाय जीरो, मीन्स फॉर जीरो प्लस एंड जीरो माइनस द नेचर ऑफ फंक्शन इज ऑसिलेटिंग, सो एट x इक्वल टू जीरो इररिमूवेबल ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, समझ गए? समझ आए? रिवाइज करो।